फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से वीवो के फ़ोन में इंटरनेट मतलब किस तरीके से हेडफोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी ब्लूटूथ के जरिए। तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं अपना इसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल दिया ऑन हो गया है ये। तो अभी पेयर होने के लिए ये ऑन हो चुका है। अब मैं सेटिंग में जाने के बाद मैं ब्लूटूथ को ऑन करूँगा। तो ये रहा ब्लूटूथ, तो इसको खोलेंगे, उसके बाद इस तरीके से ऑन करेंगे। उसके बाद जो भी इसका नेटवर्क होगा वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा और उसको आप पेयर पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले डिसकनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं बॉट लिखा हुआ है, इसमें भी बॉट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेयर का, मैंने पहले कर चुका हूँ इसलिए पेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर पेयर लिखा हुआ है तो उस पर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगली बार जब भी कनेक्ट करेंगे उसके लिए ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार एक्सेस होने के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें यूट्यूब चला करके कोई भी वीडियोज़ एक मैं प्ले कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इनमें कोई सा भी एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप भी अपना यूट्यूब वीडियो प्ले कर सकते हैं या फिर कोई भी म्यूजिक वगैरह तो स्पीकर में आपको सुनाई देगा। तो कनेक्ट हो गया है, इसी प्रकार से आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।